तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए या कॉलेज के लिए एक पतला दुबला और हल्का लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है। इसके अंदर वही है। तो ये है Asus की ZenBook 14 OLED जो कि हमें Asus ने भेजी है। ये बेसिकली एक रिव्यू यूनिट है, तो हमने इसे कुछ दिन टेस्ट करा और जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी इसके बारे में वो डेफिनेटली इसकी थिकनेस और इसकी बिल्ड है। ये काफी दुबला पतला सा है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या बिजनेस पर्पज के लिए काफी पतला और हल्का लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। इसको लेकर घूमना काफी ईजी है इधर से उधर, और भाई वेट भी इसका काफी कम है, जिसकी वजह से आप इसे एक हाथ पे रख के भी कुछ भी काम कर सकते हो और इरिटेशन भी नहीं होती है कुछ टाइम तक। बाकी इसकी बिल्ड की बात करें तो पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन भाई यहाँ पर नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये US मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, तो मस्त भाई इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। बाकी मेरे को इसके अंदर कोई भी क्रैकलिंग साउंड नहीं आई है और बिल्ड वाइज मेरे को ठीक लगा। बस थोड़े बहुत स्मजेस लग जाते हैं इस पर, तो परांठे वरांठे खाओ ना तो हाथ धोकर ही छूना, वरना गंदा हो जाएगा मेरा राजा बाबू। वैसे तो दुबला पतला सा है और छोटा साइज होने की वजह से ना आप इसे छोटे बैकपैक में भी कैरी कर सकते हो। और भाई Asus ने बॉक्स के अंदर ने ये पतली सी स्लीव भी दी है, जिसके अंदर मैं लेकर अभी से थोड़ी देर पहले घूम रहा था। एक देखो कितनी तेजी से फिट हो गया, कपड़े वपड़े पहना दिया हमने इसे। और इस लैपटॉप के अंदर एक बात मेरे को अच्छी लगी, एक तो 180 डिग्री तक भाई नीचे फ्लैट हो जाता है। हालांकि इसका यूज केस मेरी समझ से बाहर है, बस मेरे को ये लगता है अगर कोई बच्चा अचानक से धक्का दे दे तो टूटे ना डिस्प्ले, तो यहाँ पर ये ठीक है। और सही बात ये है कि इसके नीचे भाई फैंस दिए गए हैं नीचे की साइड, तो आप अगर इसे नॉर्मली रखते हो फ्लैट सर्फेस पे तो इतने स्पेस नहीं है, तो अगर आप हल्का से इसे ऐसे कर देते हो ना, घुमा देते हो, तो नीचे गैप बन जाता है जिससे हीट डिसिपेशन के लिए हमें एरिया मिल जाता है। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि इसकी डिस्प्ले से सपोर्ट दे रही है, बेसिकली डिस्प्ले में नीचे तो छोटे छोटे ऐसे प्लास्टिक के पार्ट दिए गए हैं जो किसे सपोर्ट दे रहे हैं, वरना तो डिस्प्ले खराब हो जाएगी। और ये ना जो चीज है ये सिर्फ फ्लैट सरफेस पर ही कामयाब है, अगर आप सोफे बेड पर अपने पैरों पर रखकर यूज कर रहे हो ना तो वहां पर चुभना स्टार्ट हो जाता है। और इतना पतला होने के बाद भी इसके कीबोर्ड में किसी तरीके का मेरे को फ्लैक्स नहीं मिला है। इसके अंदर बैकलेट मिलता है और ये जो कीज है ना काफी अच्छे से मतलब फीडबैक देती है। और इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कहीं भी नंबर बटन नहीं है इस साइड छोटे कीबोर्ड होने की वजह से, तो यहाँ पर भाई Asus ने अपना दिमाग लगाया। और यहाँ पर जो ट्रैक पैड है ना, इसके अंदर ही आपको नंबर्स मिल जाते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करना है आपको तो देखोगे यहाँ पर ट्रैक पैड के अंदर ही नंबर्स आ जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करना है तो स्वाइप जेस्चर यूज कर लो, यहाँ पर कैलकुलेटर भी खुल गया। तो भाई ये चीज मेरे को सबसे कूल लगी है इसके कीबोर्ड के अंदर। एंड यहाँ पर जो ट्रैक पैड का फीडबैक है ना, ये भी बहुत सही है, काफी स्मूथ चलता है। लेकिन मेरे को इस कीबोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी कमी लगी वो दो है। एक तो यहाँ पर मीडिया कंट्रोल नहीं, आप प्ले पॉज नेक्स्ट नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ बटन है ना, वो कोने में होना चाहिए था, कॉर्नर में, जैसे कि हम ज्यादातर लैपटॉप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डिलीट की की इन्होंने कॉर्नर में दे दिया और उसके साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है और इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट है जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब भले इसके अंदर मीडिया कंट्रोल नहीं है, लेकिन एफ की जो है ना, इसको काफी अच्छे से इंटीग्रेट करा है इन्होंने इसके अंदर। जैसे कि मैं F10 से कैमरा ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहीं से, और यहाँ पर माइक को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ F9 से। यहाँ तक कि ट्रैक पैड को जैसे कि चल रहा है अभी और मैंने कोई सेकेंडरी माउस कनेक्ट करके रखा है और किसी ने छू दिया, मेरा काम खराब ना हो जाए इससे, तो यहाँ पर भी एक की है, F6 को प्रेस कर दो फिर ट्रैक पैड काम ही नहीं करेगा। तो भाई ये सारी चीजें मेरे को ठीक लगी हैं। तो अगर आप प्राइवेसी को लेकर ज्यादा कंसर्न हो तो भाई डेफिनेटली ये फीचर्स आपके काफी यूज आने वाले हैं। और इतना पतला होने के बाद भी इसमें सारे एसेंशियल पोर्ट दिए हैं। इसमें 3.0 USB पोर्ट मिलता है, टाइप सी पोर्ट दिए हैं, 2 थंडरबोल्ट, मतलब आप किसी से भी चार्ज कर सकते हो, किसी को भी भाई डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो। और एक SD कार्ड स्लॉट भी है इसके अंदर, इसमें आप छोटा वाला मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। बाकी 3.5 mm जैक है और कुछ LED इंडिकेटर्स भी दिए हैं, ये बताने के लिए कि आपके लैपटॉप के अंदर पावर हैवी या भाई ऐसे ही चलाए जा रहे हो। बाकी एक HDMI पोर्ट भी है जिससे आप एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो इससे। अब पतली तो है ये नोटबुक, अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा 14 OLED, वो ऑब्वियसली इसकी डिस्प्ले है। यहाँ पर बेजल्स काफी कम मिलते हैं इसके अंदर। और भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले दी गई है 2.8K OLED पैनल है 100% DCI-P3 कलर गैमुट के साथ, और साथ ही इसके अंदर पैंटोन वैलिडेशन भी मिलता है। तो अगर आप इसके अंदर कोई कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करोगे तो आपको अलग ही लग जाएगा कि भाई बेस्ट डिस्प्ले आप यूज करो किसी भी लैपटॉप के अंदर। एंड यहाँ पर कलर्स वगैरह काफी अच्छे, विंग एंगल्स में किसी प्रकार का टिंट नहीं मिला है। और अगर आप फोटोशॉप के अंदर कलर ग्रेडिंग करते हो तो उसके लिए भी मैं इसे इजिली रिकमेंड कर सकता हूँ, काफी अच्छी कलर ग्रेडिंग हो जाती है इसमें। इसके अलावा जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी मेरे को सही लगी, यहाँ पर 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये चीज मैं बोल सकता हूँ, अगर आप विंडो के पास बैठ के भी इस लैपटॉप को चलाओगे तो आपको डिस्प्ले फिर भी शार्प और ब्राइट लगने वाली है। और ये एक चीज हो रहा है कि इंडोर के अंदर फुल ब्राइटनेस बंद करना, आपके नैन चक्स खराब हो जाएंगे, इतनी ब्राइट लगती है इसकी डिस्प्ले। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या इसके डिस्प्ले में HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो? तो देखो, पहले इसके अंदर ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हमने पावर कोड लगाया इसमें तो इनेबल हो गया और उसके बाद HDR कंटेंट इसमें मस्त स्ट्रीम हो रहा है। मैं HDR कंटेंट के लिए भी इसकी डिस्प्ले को इजीली रिकमेंड कर सकता हूं। बाकी 98 का पैनल मिलता ही है इसके अंदर जो कि चलाने में अलग ही स्मूथ फील होता है। तो Asus ने यहां पर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी करके दी हाई रिफ्रेश रेट की। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते तो इसके अंदर Ryzen 5 7th Gen U सीरीज प्रोसेसर, और U सीरीज प्रोसेसर बेसिकली पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं।
प्रोसेसर 7 nm पर बिल्ड है, 6 core प्रोसेसर है, 12 थ्रेड्स रन करा सकता है और इसकी पावर ड्रॉ होती है 4.5 GHz तक, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड तक। इसके अलावा ये आता है इंटीग्रेटेड GPU के साथ Radeon, तो इससे हाई ग्राफिक्स वाले टास्क एक्सपेक्ट मत करना। अब जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ 20 सेकंड तक ही 4.5 GHz की फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा, तो उसका मतलब क्या है? तो जब भी आप इसके अंदर किसी हैवी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उस टाइम पर ये 20 सेकंड तक 4.5 GHz की फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा, जो कि अराउंड 90-96 वॉट पावर ड्रॉ कर रहा होता है उस टाइम पर। लेकिन 20 सेकंड बाद आ जाते हैं अपनी 15 वॉट पावर पर, जो इसकी बाय डिफॉल्ट पावर है, तो उस टाइम पर ये अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर लेता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाऊं तो काफी इजी है। लाइक जब भी आप इसके अंदर कोई हैवी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो ये अपनी मैक्सिमम पावर को यूज करता है कि स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए। जैसे कि आप एक्सेल चलाओगे या फोटोशॉप चलाओगे तो आपको एक मस्त परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अगर आप वहीं पर कोई ऐसा टास्क कर रहे हो जहां पर ज्यादा टाइम तक हैवी परफॉर्मेंस करानी है, तो भाई वहां पर ये दम तोड़ देगा। जैसे कि आप इसके अंदर कोई गेमिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, ना ही इसके अंदर कोई आप वीडियो एडिटिंग कर पाओगे अच्छे से, ये उतनी वीडियो एडिटिंग संभाल पाता है जितना कि आपका फोन कर पाएगा। लाइक 1080p की एक फाइल डालिए अच्छे से एडिट कर देगा, लेकिन 1080p की अगर 2 फाइल डाल दी तो भाई ये रुकना स्टार्ट हो जाएगा और 4K फाइल इसके अंदर हिलती भी नहीं है। तो इसका जो मेन फोकस है पावर एफिशिएंसी, वो इसके अंदर अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कोडिंग वगैरह भी अगर आप इसके अंदर करते हो तो वो अच्छे से हो रही है और ये कोडिंग के टाइम पर आपको बैटरी बैकअप 8-10 घंटे का इजीली निकाल के दे देगा। लेकिन इसके अंदर कोडिंग भी सिर्फ बेसिक वाली की जा सकती है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह सीख रहे हो तो आप इसे ले सकते हो। जैसे मैंने बताया भाई इसके अंदर यू सीरीज का प्रोसेसर है और ऊपर से AMD का प्रोसेसर है, तो इसका मेन फोकस है पावर एफिशिएंसी पर है। जैसे कि अभी ये रखा है तो काफी कम पावर ड्रॉ कर रहा होगा, जब मैं इसके अंदर मूवी देखूंगा तो 4-8 वॉट की पावर ड्रॉ करेगा। वहीं पर अगर इंटेल के प्रोसेसर में देखूं तो मूवी के टाइम पर वो करीब 20 वॉट की पावर ड्रॉ करता है, तो इसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप तो काफी सॉलिड मिला है, भले ही हैवी टास्क अच्छे से ना संभाल पाता हूं। लेकिन इसके अंदर जो चार्जिंग है वो 66 वॉट की भले ही मिलती हो, बट उसके अंदर मेरे को कमी लगे, उतनी तेजी से चार्ज नहीं कर पाता, बट बैटरी बैकअप ऑल ओवर इसका काफी सही है। हालांकि कंटेंट स्ट्रीम करते हुए जो इसकी स्पीकर्स की साउंड है वो मेरे को काफी एवरेज लगी है, भले यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस और हार्मन कार्डन के साथ ही आता है। बट एक चीज है, मेरे को नहीं पता मेरी यूनिट के अंदर बग है या जहां से मेरे को एसुस ने भेजा है उसने इसे खोल कर दिया है, मतलब ये बात-बात पे गर्म हो जाता है। नॉर्मली अगर मैं इसे चला रहा हूं 4K फाइल तो 5-10 मिनट बाद इसके फैन स्टार्ट हो जाते हैं, और मैंने अगर इसका परफॉर्मेंस मोड इनेबल किया हुआ है उस टाइम तो हर वक्त इसके फैन चलते हैं और साउंड भी हल्की फुल्की नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे इंडक्शन चूल्हा चल रहा हो, इतनी तेज आवाज आती है, तो काफी तेजी से गर्म हो रहा है ये। तो अगर आपका ज्यादा हैवी परफॉर्मेंस से काम नहीं है, आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो आपको तगड़ा बैटरी बैकअप दे दे, विंडोज लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो आपको तगड़ा बैटरी बैकअप दे दे, अच्छी डिस्प्ले और दुबला पतला हो जिसे लेकर इधर उधर आसानी से घूमा जा सके, तो मैं इजीली आपको इसे रिकमेंड कर सकता हूं, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। वैसे 95,000 रुपीज के आसपास का लैपटॉप है, और वहीं पर अगर आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो उनको भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, और अगर आप इसको यूज कर रहे हो ना तो अपना रिव्यू भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगा टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफबीएन बॉक्स गाइस, बाय।